सीमेंट और कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे मकानों के बीच लकड़ी और पत्थरों से तैयार किया गया एक मकान बरबस ही अपनी ओर खींचता है। देहरादून स्थित विकास नगर के जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के नगांव गांव में यह मकान पिछली 7 पीढ़ियों का गवाह है, लेकिन आज भी इसका वही आकर्षण बरकरार है। 137 साल पहले बना यह मकान काष्ठकला का अद्भुत उदाहरण है। जी, ये तो बहुत पुराना, दादा नाना के बना हुआ है। ये है 1884 का बना हुआ। करीब 137 साल पहले जब इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण हुआ, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। इसकी बुनियाद में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ऊपरी ढांचा लकड़ी का बना है। 100 साल से पहले के वक्त की नक्काशी और कला को समेटे ये मकान आज भी उसी तरह शान से खड़ा है। ये नीचे वाले पिलर तो है पत्थरों के बने हुए, बल्कि ये पिलर तो बहुत दूर से ला रखे, उधर सैया से ऊपर लिखा गांव है वहां से ला रखे इसको, और जो ऊपर वाले ये लकड़ी के ही बने हुए। वर्तमान में इस मकान के मालिक हरदेव सिंह तोमर हैं। उन्हें अपने दादा नाना से ये विरासत धरोहर में मिली है, जिसे उन्होंने संजो कर रखा है। ये तो पहले से ही दादा लोगों ने यही कहा कि इसे मत खोना, और हम भी अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि जो ये पुराना बना हुआ है इसे मत खो। इस भवन में जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं वो है यहाँ के दरवाजे, जो भवन के हिसाब से काफी छोटे बनाए गए हैं। माना जाता है कि पहाड़ों पर पहले ये मान्यता हुआ करती थी कि किसी घर में प्रवेश करते हुए हमें सिर नवाना चाहिए। अब दरवाजे उस टाइम ज्यादातर चोरों चारों का डर रहता था ना, तो उसी वजह से अंदर को जो है झुक के ही जाना पड़ता था। तो जब आदमी झुक के आता है तो उसके लिए तो 17 इलाज होते हैं अंदर। इसके साथ ही इन दरवाजों में पुरानी तकनीक से लॉक लगता है, जिसमें टेढ़ी सरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में तावा कहा जाता है। इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे ही बंद हो जाते हैं, अंदर ही से ऐसे ही खुल जाते हैं, ऐसे ही। तो ये चाबी समझ लो इसको, पर हमारे यहाँ तो इसको तावा कहते हैं। ये है इसके लॉक की चाबी। लकड़ी का ये मकान मजबूत तो है ही, साथ ही भूकंप रोधी भी है। इसके साथ ही इसकी बनावट ऐसी है कि बरसात के समय मकान में एक बूंद पानी नीचे नहीं आता, इसलिए इस मकान में ज्यादातर अनाज रखा जाता है। गोदामी समझ लो इसको, अपने भंडार समझ लो, चावल आटा और सामान भी रखते हैं, जैसे पिसा हुआ अनाज है। सच में चाहे ये मकान 137 साल पुराना हो, लेकिन उस वक्त की सोच आज के मुकाबले कहीं आगे नजर आती है। समय के साथ हरदेव का परिवार बड़ा होता रहा, और इसी वजह से उन्होंने गांव में रहने के लिए और मकान बना लिए। लेकिन ये मकान उनकी और उनके परिवार की धरोहर है, इसी से उनकी पहचान है, और वो इस मकान को अपने बुजुर्गों की याद में हमेशा संजोए रखना चाहते हैं। इन ईंट के मकान तो मैंने भी बनाए, अपने सामने बनाए, पर अपने सामने गिर गए, और ये देख लो कितने पुराने मकान है ये, फिर भी ज्यों के त्यों हमारी, ये लगा लो 7वीं 8वीं पीढ़ी है हमारी, ये तो फिर भी वैसे ही है। मौजूदा वक्त में अब चूंकि घरों पर सीमेंट की छतें, कंक्रीट की दीवारें और एल्यूमिनियम स्टील के दरवाजे खिड़कियां लगने लगे हैं, तो ये पुरातन कला गाहे बगाहे ही कहीं नजर आती है। राजे, रजवाड़े, रईस, जमींदार, महाजनों के युग बीत गए, जो इस नक्काशीदार दरवाजों चौखटों के कद्रदान हुआ करते थे। यहाँ तक कि साधारण घरों में भी काष्ठकला के नमूने आम थे, लेकिन आज ये कला बस हमारा अतीत बन चुकी है। न इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, न संवारने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।